Hello, 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 dear aspirants. Welcome back to all of you once again to your own channel, Anand Law Academy. Friends, this is a notification regarding the UP APO admit card. जी हाँ, जो लोग टेलीग्राम पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, किसी ग्रुप में ऐड हैं, उनको ये सूचना बहुत पहले ही मिल गई कि आपका UP APO का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. आइए देखते हैं कि आप वेबसाइट पर इस चीज को कैसे करेंगे. तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक कर लेना है. या फिर अगर आप ग्रुप में हैं तो आपके पास सीधे लिंक पहुंच गया होगा. बस आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा. जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देयर आफ्टर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद होना चाहिए. यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर सब कुछ भर के जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा. जिसका ट्रांसजेंडर वो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लेगा, जिसका मेल है वो मेल, जिसका फीमेल है वो फीमेल. एंटर वेरिफिकेशन कर दीजिएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड आ जाएगा. अगर खुदा ना खास्ता किसी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है तो यहाँ पर अपना क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको कुछ माइनर सी डिटेल भरनी पड़ेंगी, जैसे कि कैंडिडेट का फुल नेम, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंटर द कैप्चा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जिसके तहत आप जिसको नोट करके फिर वापस इस वेबसाइट पर आकर के अपना वही पुराना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ये देखिए, यहाँ पर भाई साहब आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है. अगेन एक बार देख लीजिए, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वही डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर वगैरह जिसका है. इसे ट्रांसजेंडर ऑप्शन में नहीं है, दिस इज अ वेरी बैड थिंग. एंटर वेरिफिकेशन कोड, डाउनलोड एडमिट कार्ड. दिस इज अ शॉर्ट वीडियो. थैंक यू, हैव अ गुड लक.